शंकराचार्यंकु साक्षात करिछन्ति सुप्रीमकोर्टर वरिष्ठ आईनजीवी तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तबे आसंतो अकड़ प्रतिक्रिया रखिछन्ति नजर पकाइबा। आज की राजनीतिक स्थिति सीमा में जो समस्या है इस प्रकार से स्टेट में आपके जो प्रांत है उसमें तो वो अन्य बात थी, पर मूल बात ये थी कि स्वामी जी वहाँ आए तो अच्छा होगा, क्योंकि आदि शंकरा केरल से ही शुरू किया तो उनका बहुत बहुत नाम है स्वामी जी का और बहुत लोग दर्शन चाहते हैं, तो उसके लिए रानी जी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार हैं और भी जान पहचान लोग हैं उनका भी सहयोग लेकर हम स्वामी जी का एक प्रोग्राम करने चाहते हैं। सर जी, यहाँ पर जो लोकल जो इश्यू है, मतलब महाप्रभु का जो हेरिटेज कॉरिडोर का इश्यू है, जगत गुरु साहब भी सरकार भी परामर्श लिए थे, गुरु जी बोले कि सब न्याय की भीति में हो और आइन का पालन हो और विकास के लिए तपोभूमि को भोगभूमि मत बनाओ, तो इसमें आपका क्या? मैं तो जरूर ये जो मुझे इसको पता है, इस मामला पता है, कोर्ट केस के बारे पता है, तो मैं निश्चित नवीन मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इनके पिताजी बीजू पटनायक मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो और वो भी एक बहुत सात्विक व्यक्ति हैं, तो मैं ज़रूर खबर पहुँचाऊँगा और इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं प्रयास करूँगा। काशी विश्वनाथ का जो वृंदावन का जिस तरह जो हुआ है डेवलपमेंट हुआ है, इस तरह शिव मंदिर का डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं, डेप्यूटीज के लिए अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं, जहाँ तक हमारे मंदिर हैं वो तो हमारी क्या कहते हैं विचारों का केंद्र थे, राजा भी वहीं आकर बैठता था बराबर, तो इसीलिए मंदिरों की रक्षा करना, मंदिर मैंने कई मंदिरों की जो सरकारी नियंत्रण में थी उसको से छुड़वाया, मंदिर जो है कतई किसी सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हाँ ज़रूर हमारे संविधान में लिखा है कि जहाँ वित्तीय गड़बड़ है वहाँ थोड़े दिन के लिए सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और सब सुधार करने के बाद। गुरु जी के साथ इसके बारे में कुछ आपका डिस्कशन हुआ क्या? नहीं, इसमें डिस्कशन क्या करेंगे हम, जानकारी जो मैं मेरे पास है और उनको भी पता है कि नवीन पटनायक हमारे बहुत जान पहचान के हैं, इनके पिताजी हमारे मित्र हैं, परंतु मैं यहाँ आने के पहले लोगों ने मुझे बताया कि ये इशू चल रहा है, आइन के परिधि में कार्य नहीं हो रहा है, एक चीज ठीक है, बट सी ये तो मैं इसमें तभी जा सकता हूँ कि जब या नवीन मुझसे कुछ कहें या स्वामी जी मुझसे आदेश दें, लेकिन मैं पहले नवीन को से बात करूँगा, पूछूंगा कि उनका इरादा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ठीक है, मैं तो जानता हूँ ना, वो एक विवाद रखा है उसको खत्म करना, और एक चीज़ है कि क्योंकि ये हम सब लोग हिंदू हैं और ये प्रदेश में हिंदू बहुमत में है और इसीलिए शंकराचार्य कोई साधारण शंकर आदि शंकरा ने इसको इस स्थापना की, तो इसको इसकी जो प्रतिष्ठा और प्रेम ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि धर्मीय न्यायाधीश है जगत गुरु शंकराचार्य, उनसे परामर्श लेना है मंदिर के मसले में, लेकिन यहाँ का सरकार गुरु जी से बात ठीक है, अब अगले बार आऊँगा तो पूछ लेना क्या किया आपने। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू जी।